आज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से मैं ट्वेल्थ क्लास का भी एग्जेक्टिव बोर्ड मिशन लेकर के आ गया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में 35 नंबर में से 35 नंबर लाने का कोशिश करेगा। यदि आप पूर्ण रूप से सारा वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ यदि देखते हैं तो इसमें कोई भी शक नहीं किया जा सकता कि 35 में से 35 नहीं आएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद तो कोई दिक्कत परेशानियां ही नहीं होगी। बहुत सारे क्वेश्चन 2-3 नंबर का भी इससे बन जाएगा। मैं वैसे वैसे कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा हूँ, कुछ मैं वैसे ऑब्जेक्टिव लाता हूँ जो हालांकि वह पूछा जाता है 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर में, लेकिन उसे हम ऑब्जेक्टिव के रूप में लान दे रहा हूँ ताकि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आज का। इस क्वेश्चन में शायद 6-7 क्वेश्चन आएंगे, तो 6-7 क्वेश्चन आएंगे तो मैं आज क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं पूछ सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो सीरीज रहता है वह 5 क्वेश्चन का रहता है। यदि आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पूछ दूँ तो ठीक है, इन्हीं 7 क्वेश्चन में से जो अंतिम वाला क्वेश्चन होगा जो आपके लिए ही होगा, जो आप इसका कॉमेंट कीजिएगा उत्तर। ठीक है, तो आज का देखिए प्रश्न, और अपने दोस्तों के पास शायद आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से आप नहीं कीजिएगा शेयर, तो फिर वीडियो बनाने के लिए बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरा भी समय 1-1.5-2 घंटा चल जाता है आपके लिए। ठीक है, तो मैं इतना यदि कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मेहनत तो आपको तो बनता ही है लाइक करना। बहुत सारे वैसे व्यूअर होते हैं जो ऐसे ही देख कर चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, हालाँकि उनके पैसा चुकाने का शायद चुकाने पड़ रहा होगा पैसा, इसकी वजह से ये भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो वैसे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आज का। 81 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, नहीं 80 नंबर क्वेश्चन से आज बताना है, क्योंकि 79 नंबर से हो गया था, तो 80 नंबर देखिए। तो देख लीजिए क्वेश्चन 80 नंबर। हम यह कहना चाहते हैं कि यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए हैं तो कर लीजिए, ठीक है, और यदि आप नहीं भी करना चाहते हैं ना तो ठीक है, आप नहीं करना चाहते तो उससे मेरा उतना इतराज नहीं है, लेकिन इसका आप देखते रहिएगा पार्ट कि मैं कैमरा पार्ट डाल रहा हूँ, पार्ट 14 डाल रहा हूँ या पार्ट 15 डाल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन तो जाएगा नहीं, तो हो सकता है कि किसी दिन 2 वीडियो लोड कर देता हूँ तो 1 वीडियो आप नहीं देख पाएँ, तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आप पार्ट देखिएगा, पार्ट 14-15 इसी करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, ठीक है, यदि आपको इच्छा होगा तो आप स्वयं ही कर दीजिएगा, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप कीजिएगा तो आप ही का फ़ायदा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 81 नंबर। एक धातु के गोले की धारिता 1 μF हो तो इसकी स्थितिज ऊर्जा लगभग कितनी होगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा पूछता है, नहीं स्थितिज ऊर्जा नहीं पूछता है, इसकी त्रिज्या लगभग कितनी होगी। ठीक है, यहाँ आपको त्रिज्या कहा जा रहा है कि त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो गोले का क्या दिया गया है, धारिता दिया गया है, तो बिल्कुल आराम से आपको लिख रहे हैं क्वेश्चन को, आपको नहीं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। ठीक है, तो धारिता दिया गया है 1 μF, 1 μF दिया गया धारिता, आपसे त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, तो गोलीय चालक के लिए जो धारिता होता है मित्रों, वह होता है C = 4πε0 × r होता है। ठीक है, और समानांतर पट संधारित्र के लिए होता है C = aε0/d होता है। अगर माध्यम रहता है तो k से गुना करते हैं या εr से गुना करते हैं, अगर इसमें भी माध्यम रहेगा तो εr से गुना कर देंगे, तो माध्यम नहीं है तो ठीक है नहीं करते हैं। तो हमको क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो आर बराबर हम क्या लिखेंगे, C = 4πε0। तो सी बराबर आपको कितना दिया गया है, 1 μF दिया गया है, 1 μF। तो मी मतलब क्या होता है, 10⁻⁶ होता है। अब 4πε0 का वैल्यू मैं कहाँ से लाऊँ, तो हम लोग जानते हैं 4πε0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि के बराबर जो होता है मित्रों, वह होता है 1/4πε0 होता है, और के का वैल्यू होता है 9×10⁻⁹ बराबर हो जाएगा 1/4πε0। तो अगर 4πε0 का वैल्यू चाहिए तो 4πε0 बराबर हो जाएगा 1/9×10⁻⁹ हो जाएगा। तो अगर यह ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, यह तो नीचे रह जाएगा, लेकिन यह चल जाएगा, ये 10⁻⁹ ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इसको वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यह जो मेरा आया 10⁻⁹ आया,
तो यहाँ 10^-9 बाई 9 हम रख देंगे 4πε0 के स्थान पर। 4πε0 का वैल्यू आया है 10^-9/9, तो 10^-9/9 रख दिए तो निचल का टर्म जो है ऊपर चला जाएगा। तो ये गुने 10^-6 हो जाएगा, गुने कर दीजिए ऊपर चला जाएगा तो 9/10^-9 हो जाएगा, है ना, पलट जाएगा ऊपर। तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा 10^9 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9×10^ हो जाएगा 9×10^-6 हो जाएगा। तो 9×10^ कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो इसको अगर 9000 या मीटर आया ना तो ये कितना हो जाएगा, अगर किलोमीटर में बदल देते हैं इसको तो 1000 से भागा देना होगा 10^3 से, तो 9 किलोमीटर हो जाएगा। किलोमीटर में ऑप्शन दिया था इसलिए किलोमीटर हमने लाया है, अगर मीटर में रहेगा तो 9×10^9 3 मीटर हो जाएगा, इसका मतलब 9000 मीटर। तो यहाँ देखिए 9 किलोमीटर ऑप्शन दिया गया था इसलिए 9 किलोमीटर हमने बना दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या होता है। एक समानांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच पृथकृत नगण्य मोटाई की एल्युमिनियम की पत्ती रख दी जाती है तो संधारित्र की धारिता कितना हो जाता है। प्रश्न में ही कह दिया गया है मित्रों कि जो प्लेटों के बीच जो रखना है नगण्य मोटाई की एल्युमिनियम की पत्ती रखा जा रहा है, ये मान लिया जाए कि संधारित्र है, धारिता है, और इसके बीच जो है ना रखा गया है नगण्य मोटाई की एकदम पतली एकदम कुछ प्लेट ऐसा रखा गया है जो नगण्य कह रहा है। अब नगण्य कहीं जा दिया जा रहा था मत ना मतलब का हुआ नहीं, और गण्य मतलब गणना करना है ना, जिसे गणना ही ना किया जा सकता, तो जिसको गणना ही नहीं किया जा सकता उसको मीडियम मानेंगे ही नहीं कि मीडियम भी रखा गया है, तो क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन देखिए कोई वैसा ऑप्शन है जो फर्क नहीं पड़ता है, वही रहेगा है ना 10×10, तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी कुचाला का प्रवैधतांक नहीं हो सकता है, तो किसी कुचाला का प्रवैधतांक जो है क्या नहीं हो सकता है। हमने तो पिछले वीडियो में इतना हमने बता दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि आप तो ऐसे ही मान लीजिएगा, है ना। हम लोग जानते हैं कि धातु के लिए अनंत होता है तो यह नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर निर्वात रहता तो एक होता, तो एक है ये ना अनंत, क्या बोलते हैं, एक होता है और अनंत होता है। किसके लिए, धातु के लिए अनंत होता है और निर्वात के लिए एक होता है, वन मीडियम के लिए एक से ज़्यादा होता है, तो एक से ज़्यादा वाला बहुत सारे हैं, तो डी हो जाएगा ऑप्शन सही, क्योंकि ये तो धातु वाला है, ये पूछ रहा है कुचालक वाला, तो अन्य मीडियम है भाई, अन्य मीडियम है तो वो एक से ज़्यादा वाला होगा, सीधी सी बात है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 83 किया है। 6 μF के संधारित्र को 10V से 20V के लिए आवेशित किया जाता है तो ऊर्जा वृद्धि क्या हो जाएगा। 10V से 20V हो जाता है ना, तो हम लोग जानते हैं ऊर्जा वृद्धि पूछ रहा है, तो देखिए एनर्जी बराबर सूत्र होता है 1/2 CV² होता है, ठीक है। क्या पूछा है, ऊर्जा वृद्धि, नहीं ऐसा नहीं कि ऊर्जा घनत्व पूछा, ऊर्जा घनत्व के लिए होता है 1/2 ε0E² होता है, ठीक है, जो हमने सीध करके बताया था पिछले वीडियो में, तो देख लीजिएगा पिछले वीडियो यदि आप लोग नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि 1/2 C, देखिए कहाँ दिया गया आपको, धारिता दिया गया होगा, देखिए ना, देखिए 6 μF दिया गया है ना, 6 μF दिया गया है, तो मी के मतलब 10^-6 होता है। अब क्या है, β² 10 कहाँ जा रहा है, 10V से 20V हो रहा है, तो β² के क्या करना होगा, β² को β²-β1² करना होगा, क्योंकि 10 से 20 हो रहा है, तो 2 से 6 कटेगा तो 3 हो जाएगा, मैंने 3×10^-6 हो जाएगा, और गुने हो जाएगा β² कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, आप देख सकते हैं 20V है ना, 10 से 20V हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही β² के स्थान 20 रखेंगे तो 20² होगा तो 400 होगा, और है ना 400 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 10 रखते तो 100 हो जाएगा, तो 400 में से कितना गया, 100 गया, तो कितना बचेगा, 300 बचेगा, 3×10^-6×300 हो जाएगा, 3×3 = 9। अब 10^2 और 10^-6 तो 10^-4 हो जाएगा, ठीक है, और 9×10^-4 जूल हो जाएगा, दूसरी ऑप्शन कहीं होगा जो कि एनर्जी का मात्रक जूल होता है, तो 9×10^-4 और कहीं है? नहीं, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कॉपी पर है ना ये चित्र है, तो पढ़िए मान लगा के ना, तो भगवा जो है ना नोच लगा आपको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 84 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक वायु संधारित्र की धारिता 1 pF है, तो यदि प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो प्लेटों के मध्य मोम भर दी जाए तो धारिता बढ़कर 2 pF हो जाता है, तो मोम का प्रवैधतांक कितना होगा, यही बात कह रहा है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं बता दे रहा हूँ, पेज थोड़ा सा पलट लेता हूँ,
ना, इसके लिए वीडियो लोग देता हूँ। हाँ, मैं बोल रहा था ये पेज, इसलिए आर एस अग्रवाल की किताब है, मैं इसको रख दिया हूँ, जान दिया हूँ, तो देख लीजिए आप। मेरा मैथ का वीडियो बस देखिएगा, उसमें तो आप गर्दा उड़ा सकते हैं भैया, पढ़ने लगेगा तो उसे देखिए क्वेश्चन क्या है इसका। फिजिक्स में ही मन लगता है तो फिजिक्स ही देखिए। एक वायु संधारित्र के धारा एक पिको फैराड है, ठीक है। वायु संधारित्र भाई तो इसका मीडियम कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा वायु के लिए। तब संधारित्र के बाद कहा जा रहा है तो देखिए, समानांतर प्लट संधारित्र के लिए जो सूत्र होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। अब इसका तो मीडियम क्या कहा गया ना, जो गुना में के रहता था उसका तो एक वैल्यू दे दिया, तो मतलब के तो खत्म हो गया है ना, एक से गुना होगा तो वो यही ना बच जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब इसका जो धारिता दिया गया है सी एक पिको फैराड दिया गया है, देख लीजिए कहीं आप है, देखिए एक पिको फैराड है ना, एक पिको फैराड दिया गया, तो क्या करते हैं यहाँ एक पिको फैराड लिख देते हैं, एक पिको फैराड बराबर कितना है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी आ गया, ठीक है। इसको एकदम बिल्कुल गोलिया कर रखते हैं, इसको काम देगा बाद में, है ना। अब देखिए, अब आगे पढ़िएगा, तो यदि प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, ठीक है, एवं प्लेटों के मध्य मोम भर दी जाए तो धारिता बढ़कर 2 पिको फैराड हो जाती है, तो मोम का परावैद्युतांक क्या हो गया। मोम भर दिया गया तो स्वयं हम समझ सकते हैं कि एक मीडियम भर दिया गया, तब तो मीडियम का ही पूछेगा, है ना, कि क्या हो जाएगा परावैद्युतांक कितना हो जाएगा, है ना, कितना होगा वही पूछ रहा है आपका, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कितना होगा, तो फिर से हम सूत्र लिखेंगे सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है और गुने के। अब यहाँ पे मोम भर दिया गया है तो यही के आपका पूछ रहा है, ठीक है। आप के लिखिए या फिर आप एप्सिलॉन आर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वह तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो डिस्टेंस क्या है, दुगना कर दिया गया, ठीक है, और इसका जो धारिता कितना कर दिया गया, 2 पिको फैराड दिया गया, देख लीजिए कितना दिया गया है, 2 पिको फैराड हो जाती है, तो 2 पिको फैराड दिया गया है, ठीक है, 2 पिको फैराड, तो 2 पिको फैराड यहाँ दिया गया है। अब ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी का वैल्यू जो है 1 पिको फैराड है, तो 1/2 हो जाएगा और गुने किए हो जाएगा, है ना, 1 था तो 1 कर दिया हमने गुना, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई 1/2 गुने 1 होगा ना, तो 1/2 ना बचेगा। अब के का वैल्यू चाहिए, ठीक है, वो 1 पिको फैराड है भाई, 1 पिको फैराड, तो पिको फैराड से पिको फैराड गोल होगा ना, तो मीडियम कितना होगा, 2×4 हो जाएगा ना, तो के बराबर कितना आएगा, 4 तो आ जाएगा, तो के हो जाएगा परावैद्युतांक 4 हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ गया मेरा, ये देखिए क्वेश्चन सही उत्तर ही हो जाएगा जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, संधारित्र के मध्य ऊर्जा किस रूप में होती है, तो आपको बताना होगा वैद्युत क्षेत्र के रूप में, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, या फिर वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर मारिए, उसके बाद में बताता हूँ, तो मुझे आशा है कि आप मार दिया होंगे सही। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, संधारित्र के मध्य की ऊर्जा होती है, तो वैद्युत क्षेत्र के रूप में रहता है, इसको याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र के रूप में रहता है, ठीक है। जो ये संधारित्र जो होती है ना धरती दी गई, इसके बीच में जो होता है ना वो होता है वैद्युत क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र के रूप में होती है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र के रूप में नहीं होती है, देखते हैं प्लेटों पर क्या होता है, प्लस 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 जोर हो जाता है, माइनस 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 जोर, तो क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज में ही होता है ना प्लस माइनस। चुंबकीय क्षेत्र की बात रहेगी तो नॉर्थ साउथ बनता है ना, नॉर्थ बना साउथ बना, है ना, ऐसा चीज़ होता है, इसका क्षेत्र बनता है चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए इसका सही होता है वैद्युत क्षेत्र के रूप में। हमने कहा था कि जो अंतिम वाला क्वेश्चन जो होगा वो आपको कमेंट करना होगा आंसर, तो देख सकते हैं 86 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक आवेश क्यूब बेलनाकार पात्र के खुले मुंह के केंद्र पर रखा है, इस पात्र की सतह के से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, इस पात्र के सतह से गुजरने वाला फ्लक्स पूछा जा रहा है मित्रों, तो आप बताइएगा क्या होगा सही उत्तर। अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिए, देखिए मैं अच्छी तरह से ले ले रहा हूँ पिक्चर, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसको नहीं दिखाई दे रहा होगा मैं यहाँ से लेता हूँ, ये देखिए दिखाई दे रहा होगा, चलिए ये ऑप्शन आपका है। अब जो मैंने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन को मैं ला रहा हूँ, हाँ, तो देखिए यही क्वेश्चन था कल का मेरा। वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसा उपकरण होती है, शायद इसका आपने आंसर कमेंट नहीं किया था, मैंने जो बीच में क्वेश्चन पूछा था शायद उसका कमेंट किया था, लेकिन इसका नहीं किया था, आंसर सही दिया था।
शायद आप लास्ट तक ना कहीं कहाँ पढ़े थे या फिर आपको पता ना चल रहा होगा, है तो मैं इसका बता देता हूँ। वांडेग्राफ जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो हमेशा उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। पिछले वीडियो में बताया था कि इसे इसमें कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ना कि बृहद धारा उच्च वोल्टता दोनों उत्पन्न करते हैं, ऐसा गलत हो जाए होगा, इसका सही बी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आशा है कि आपने इस वीडियो का बहुत ही इंजॉय किया होगा। तो बहुत अच्छे से आप पढ़िए लिखिए, आप के लिए मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, मदद कर ही रहा हूँ। इस लॉकडाउन में बहुत मैं सेवा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, जितना बनता है, यदि आपको पैसा नहीं चुकाना पड़ता है तो आप लाइक कर दीजिए, और चुकाना पड़ता है तो आप लाइक नहीं कर सकते। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे और भी इसका लाभ उठा पाएंगे। अच्छा है ना यार कि एक ही चैनल पर मैथ भी आपको मिल जाती है और फिजिक्स भी मिल जाती है, तो आपका इंटर का तो समझिए तो बैकबोन जो है वो तो आपका पूरा ही हो जा रहा है। तो समझिए क्या दिक्कत परेशानियाँ हैं। बाकी रही केमिस्ट्री का तो आप पढ़ लीजिएगा वो सब चीज़, मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो पढ़िए लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।